फ्रेंड, दांत में पीलापन का प्रॉब्लम हर किसी को होता है, किसी को ब्रिज सिगरेट पीने से, फिर किसी को बिमल गुटखा खाने से, और किसी किसी को तो फ्रेंड पानी का प्रॉब्लम के वजह से दांत का पीलापन आ ही जाते। लेकिन जैसे भी आए, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है, हर किसी का जो प्रॉब्लम है, हर कोई ढूंढते रहते कैसे ये जो पीलापन घटाया जा सकते, लेकिन इसका घटाने का भी बहुत आसान तरीका है। फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बहुत आसानी से आपका दांत का जो पीलापन हो गया वो आप हटा सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट का जो नुस्खा है यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से आपका दांत में जो पीलापन है वो घटा पाओगे। लेकिन आप अगर सीखना चाहते कैसे ये कर सकते तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आपको जैसे बताया था, घर में आपको जो सामान मिलेगा, आपका घर का सामान से बहुत आसानी से आपका दांत को साफ कर पाओगे, और इतना साफ कर पाओगे जो कोई भी डेंटिस्ट के पास जाके भी इतना साफ नहीं होते। सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको साफ करने में, 2 मिनट में इतना चमकेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड तो जो जो सामान लगेगा वो आपको बता देते। सिंपली एक बाटी ले लेना, और घर में तो नींबू अभी का टाइम पे, गर्मी का टाइम पे हर किसी के घर पे नींबू मिल जाते। और दोस्तों फ्रेंड जो कॉलगेट, आप जो भी सिर्फ कॉलगेट नहीं, जो भी आपका पेस्ट रहेगा घर में वो पेस्ट आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर में कॉलगेट यूज़ कर रहा। और दोस्तों एक पाउडर लगेगा फ्रेंड, इसको आप मीठा पाउडर भी कह सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं, इसको मीठा पाउडर भी कह सकते, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते। और जो इसके बारे में भी पता नहीं उसको बता देते फ्रेंड, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, कोई भी दुकान में मिल जाते, जो पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए, घर में सब्जी वगैरह बनाने के लिए लगते, तो घर में आपको मिल जाएगा, कोई दुकान में भी मिल जाएगा आसानी से। इसको मीठा सोडा भी कहते, फिर खाने का सोडा भी कहते। तो आपको करना क्या है, मान लो जैसे आपको लगेगा जितना भी, एक के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम बना लेना, अगर ज़्यादा 2-4 आदमी के लिए बना रहे तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं। तो सिंपली आपको पेस्ट लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। पेस्ट लेने के बाद फ्रेंड इधर में थोड़ा पाउडर ले लेना, थोड़ा जैसे 1 चिमटी ले लेना, ज्यादा मत यूज करना, क्योंकि ज्यादा अगर यूज करोगे तो दांत में देने में तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद फ्रेंड आप जो नींबू लिया था वो नींबू इधर में दे देना। आप देख सकते हैं देने का साथ साथ इसका जो एक्शन रिएक्शन है चालू हो गया। बहुत ज़्यादा मत डाल देना, ज़्यादा डालोगे तो इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो इसका बाद फ्रेंड आपका जो ब्रश है, ब्रश से ऐसे अच्छा करके और भी एक पेस्ट बना लेना। आप देख सकते हैं पूरा के पूरा इधर नहीं हो जाएगा। लेकिन जो मैं जो हिसाब बताया फ्रेंड उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं लेना। थोड़ा टाइम ऐसे हिलाने के बाद ये फ्रेंड बांध के रेडी हो जाएगा। अभी क्या करना है इसको, अभी आपको दांत से दांत में ब्रश करना, जैसे 2-3 मिनट तक आप ब्रश करते, बिल्कुल ऐसे 2-3 मिनट तक आप ब्रश कर लेना, थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा घिस घिस के। अब मैं फिर से एक बार बता देते फ्रेंड आप क्या क्या लगाया। कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, इधर से कॉलगेट यूज़ किया है, दूसरा जो नींबू है नींबू यूज़ किया है, साथ में फ्रेंड ये खाने का सोडा यूज़ किया है। अभी फ्रेंड 2 मिनट तक आप अच्छा करके ब्रश कर लेना, तो आपका जो दांत है पहले जैसे दिखा है तो उससे कई गुना अच्छा अभी दिखने लगेगा। आपको जो स्पॉट गिर गया था दांत के अंदर वो बिल्कुल चला जाएगा। तो फ्रेंड सिर्फ 2 मिनट में आपका दांत चकाचक हो जाएगा। और पर 3 दिन तक करना, और अगर हमेशा ऐसा करना चाहते हैं तो हफ्ता में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करना, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना। हफ्ता में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी करोगे तो आपका दांत हमेशा ऐसा चकाचक दिखने लग जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी पानी बिमल गुटखा फिर भी सिगरेट भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, हमेशा ऐसे अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड उम्मीद देखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।